सबसे तो पहले शौचालय में ताला बंद है, शौचालय में ताला बंद बंद है, इसमें कुल रोगी को जाना पड़ता है, इसमें इथी होने के लिए, लैटरिन होने के लिए, इसमें ताला बंद कर दिया, शौचालय में ताला बंद। हम 5 दिन से यहाँ पर हैं, और 5 दिन में जो दिक्कत हो रहा है, रोगी का कुछ भी व्यवस्था नहीं मिल रहा है। गर्म पानी हम लोग बाहर से लाते हैं, पैसा दे कर लाते हैं, बाहर से लेते हैं पैसा। हाँ, पैसा बाहर से गर्म पानी करा कर रोगी के लाते हैं। हम लोग का सोने का यहाँ पर जगह मिलता है। हम 5 दिन से यहाँ पर हैं अपने बच्चे लेकर। धूप होते जा रहा है, कितने बजे से आए आप लोग? 4 दिन हुआ, कुछ बोल नहीं रहे कि क्या दिक्कत है, नहीं है। 4 दिन हो गया, कुछ बोल नहीं रहा है कोई? हाँ। कर्मचारी से बात होती है आप लोगों की? नहीं नहीं होती है, कुछ बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। देख सकते हैं ये लोग अपना बिछौना लेकर के गांव से आए हुए हैं और यहाँ पे ठहरते हैं, चूंकि क्या करें, मजबूरी है। और रात में कोई नहीं था यहाँ पे, 1 बजे के 1.5 बजे बाद कोई नहीं था, और हम आके पूछे बजे तक कोई नहीं था। बच्चे अकेले थे और गेट ये भी खुला था और उधर भी बच्चों का गेट खुला था। आप लोगों को अंदर नहीं जाना है? नहीं, परमिशन नहीं दिया जाता है। क्या करें, शौचालय बंद है, इसमें शौचालय है लेकिन इसमें शौचालय लेडीज शौचालय है, इसमें कुंडिये नहीं है, कुंडिये नहीं है, शौचालय कुंडी नहीं है, प्लस में पानी नहीं आता है कभी कभी, ये स्थिति पानी नहीं है इसमें, पानी कुंडी भी नहीं है, पानी भी नहीं नहीं है। जाकर देखिए, जांच कीजिए उसको, एक बार कोई बोला, आप लोग बोले नहीं किसी से? नहीं, गर्जीवन को बताता नहीं है कि गर्जीवन है तो आ कर यहाँ पर देखो तुम्हारा बच्चा के क्या कमी है, हम बता रहे हैं। यहाँ पर कोई बता रहा है? मेरे कर्मचारी किसी से कोऑपरेट नहीं कर रहा है कि देखिए यही परिस्थिति है, आपके बच्चे की तबीयत इतनी खराब है, आप आराम से यहाँ पे बैठिए, चाहे कुछ भी, कोई नहीं नहीं बढ़िया से बातचीत भी नहीं करता होगा, अरे तेरे करता होगा, और इतना बोलता है कि आप लोग क्यों डूबते हैं अंदर। अभी हम बक्सर के सदर हॉस्पिटल बक्सर में है और यहाँ तमाम लोग हैं जो अभी ठंडा का माहौल है, कलकलाती ठंड चल रही है। बाहर में ये लोग आपको दिख रहे होंगे जो देहात से, गांव देहातों से आते हैं। अभी तापमान जो आप मोबाइल खोल कर देखिएगा तो 9 डिग्री दिखा रहा है, थोड़ी थोड़ी धूप उग गई है, लेकिन फिर भी रात की जो समस्याएं होती है, आप इधर काफ़ी लोग भी थे, अभी कुछ लोग चाय पीने के लिए और बाहर अपने खाना की व्यवस्थाओं के लिए, क्या समस्या है आप लोगों की? समस्या ये है कि बच्चा के छोड़ के चल के रही जाना, देखत रही जाए, बच्चा के छोड़ के बाहर चल जा तड़ी लोग। कौ बजे से एडवेंचर होगा सब? हम लोग शाम को आए हैं, काले के एल बन जाए तो बाहर ही जो सूत्र रहनी जरूर सब। हाँ। देख सकते हैं ये तमाम लोग हैं जहाँ पे बाहर सोने के लिए इनको विवश होना पड़ता है। कब जैसे एल बन जरूर सब? हमने 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए, एजे रहो तो जाए तो एजा तो छो। आपको बता दे कि अभी जब आपको बताया कि मोबाइल खोल कर देखिएगा तो 9 डिग्री तापमान बता रहा था रात सुबह का, लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा भी सुनने में आया है कि यहाँ पर काम नहीं होता है तो यहाँ से बाहर लोगों को कहते हैं कि आप यहाँ से ले जाइए, बक्सर से बाहर ले जाइए, पटना ले जाइए, बनारस ले जाइए, हम लोगों को कोई जिम्मेवारी नहीं है। देख सकते हैं ये कपड़ा यहाँ पर रखा हुआ है, और भी कुछ लोग हैं, आइए बात कर, क्या समस्या है जी यहाँ पे? देखिए मेरा बच्चा है जो 3 दिन से एडमिट है जॉइंटिस के लिए, ठीक, जॉइंटिस के लिए उसका यहाँ पर फिजियोथेरेपी मतलब से किया हो रहा है, मेन उसका दवाई वही है। कल रात में दिन में 1 बजे के आसपास हटा दिया गया लाइट जो है, हम लोगों को पता नहीं है, हम जब आए तो पूछा लाइट नहीं जल रहा है, तो बोली कि मैडम कि वो अगला बता के हमको बता के नहीं किया, हम इससे पूछे तो बोले कि 1 बजे से बंद है, मतलब 7 घंटा टोटली 6 घंटा बंद था लाइट, जबकि हम हैं उसी के लिए यहाँ पे, ठीक। दूसरा हम लोग डिफेंस पर्सन है, हम लोग सरकारी एम्प्लॉय है तो हम लोग कॉपरेट करते हैं, इसमें से सरकारी चीज़ को बचा के रखा जाए। आप डिफेंस में जी? किस भाई? आर्मी में, जो BRO है MOD में, उसमें हम क्लर्क में है, ठीक ना। हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ के मद्रासन फैले, यहाँ पे कुछ भी, आज हम चले गए घर, अभी आए हम सुबह में तो 1 पे 2 बच्चे, चले बेटे कमी है मान के, सबका लड़का होता है, 1 बच्चे दोनों का सेम जॉइंटिस ही है, 1 बच्चों का इसका मतलब हीटर काम नहीं कर रहा है, 1 बच्चों को आप उड़ा कर रखिए, 1 बच्चों का आप, हम अगर अंदर जा रहे हैं तो बोलते हैं कि नहीं नहीं आप लोग अंदर नहीं आना है, हम इसमें जा रहे हैं अपने वाइफ को खाना पहुँचाने के लिए, जबकि मेरी वाइफ को ऑपरेशन में अभी टाका भी नहीं कटा है, मजबूरी है हमको यहाँ आने के लिए, क्योंकि उसको अभी टाका भी नहीं कटता, अभी ले रहा, क्योंकि दूध पिलाना बच्चे को, और आप उससे इलाज नहीं कीजिए, आप तो लिख के दीजिए कि आपका बच्चे का इलाज की जरूरत नहीं, हो गया मतलब ठीक है, वो हम घर चले जाएंगे, आप बंद कर दे रही, हमको पता लगा इलाज चल रहा है उधर। आप कह रहे थे कि 1 बच्चे को रखा जा रहा है हीटर के सामने और 1 बच्चे को ऐसे ही नंगा छोड़ दिया जा रहा है? नहीं, दोनों हीटर पे, दोनों है, मतलब दोनों हीटर पे एक उठाया गया है, रोग दोनों सेम है, हीटर चल रहा है ना अब, इसलिए फिर बाहर कपड़ा यूज करा रही अंदर, अगर तो अपना कपड़ा लगाइए ना आप जी, आपका इश्यू ना है जी। जब हम आके पूछे कि मैडम कहाँ थी रात को, तो बोलते हम घर गए थे। मैडम रात में घर चली जाती है?
ये मतलब टोन है इनका है, टोन है टोन है, मतलब माने अंदर में थी सो रही थी, डेढ़ बजे तक थी, उसके बाद है नहीं। बताइए बच्चा कैसे जाएगा, कैसे क्या पता चलेगा? एक तो हम इनके भरोसे, नर्स के भरोसे ना जी, रात्रि में कोई डॉक्टर नहीं है, दिन में डॉक्टर, रात में कोई डॉक्टर नहीं, इनके भरोसे है। और आप बोल रहे हम घर चलेगा टोन की तरह, तो इस तरह का यहाँ पर व्यवस्था है। बाकी आप लोग देखिए, आप लोग भी दवाई कराने आए हुए हैं किसी का? दवाई कराना है। किस चीज़ का दवाई कराना है? अरे मेरी भागनी इसमें एडमिट है, इसी में। हाँ इसमें है। तो ये जो हॉस्पिटल, आपको थोड़ा सा प्रेम जी इतना चाहिएगा आप, ये हॉस्पिटल जो आपको इधर दिख रहा होगा, इसमें सकैया वाला विधि चलता है और सकैया वाला कार्य होता है। विशेष यहाँ पे जो लोग उपस्थित है, क्या समस्या बार होगा सबके? समस्या अब ये रह रहा था, मैडम जी ना रही है, कजने 11-12 बजे। कहाँ से आए हैं? हम नवानगर थाना से आए हैं। नवानगर से आए हैं, केसठ प्रखंड से आए हैं। इलाज ठीक ठाक से चल रहा है? हाँ अभी तो मैंने इलाज 2 दिन से ठीक है। रात मैडम लोग कोई नहीं देखभाल, रात में मैडम नहीं थी? नहीं थी। ये स्थिति है। तेजस्वी यादव दावा करते हैं कि हम बिहार के सब सारे हॉस्पिटलों को तंदुरुस्त कर देंगे। एक हॉस्पिटल में रात में जाते हैं और चेकिंग करते हैं और कहते हैं कि वहाँ के कुछ अधिकारियों को सस्पेंड करने की बात करते हैं, फिर वह अपने कार्यालय में जा करके और एसी चला करके सो जाते हैं। आप अगर ठंडा का मौसम है तो हीटर चला के सो जाते हैं। आप समझ सकते हैं ये गरीब किस तरीके से देहात से आते हैं। और रात में इधर देख दिखाइए, थोड़ा पीछे जाइए, आप थोड़ा पीछे जाइए, और ये शेड लगा है बस, उसके नीचे खुले में सोना है। इन लोगों के लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं है, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। और विशेष जो मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री बिहार के तेजस्वी यादव जी, काफ़ी दावा करते हैं, फिर उन्हीं के चलते इन सारी बिल्डिंगों की पोचाई हुई है, जो पहले ऐसा नहीं था। पहले ऐसा नहीं था, चारों तरफ घुमा कर दिखा दीजिए आप। पहले ऐसा नहीं था, जब उनके कहने पे धीरे धीरे कुछ व्यवस्थाएं सुधर रही थी तब ये स्थिति आई थी। आइए और लोगों से मिलते हैं और बात करते हैं, क्या समस्या जी आप लोगों की? ये लोग नहीं बात करेंगी क्योंकि इन लोगों की समस्या क्या कर रहे हैं? बोले कि यहाँ पे जितने भी औरत आई हैं सबको, मतलब कि ऑपरेशन होकर बेबी हुआ है, जिसका जिसका नहीं हुआ है, सब शौचालय बंद करके रखा है। शौचालय सब बंद करके रखा है? इसमें कहाँ है शौचालय, थोड़ा हमको दिखाइएगा। अंदर में है? अंदर में तो हम नहीं जा सकते हैं क्योंकि परमिशन हम लोगों की नहीं है। अब बाहर से, अब मतलब अंदर में बंद है? हाँ, अंदर का। अंदर तो ठीक है, मतलब अंदर जाना अगर माना है तो आप लोग अंदर ना जाइए, लेकिन बाहर आते हुए ना कर्मचारी? बाहर आता है तो बाहर तो बताता नहीं नू है, फैमिली को बताता है, गर्जीवन को बताता है, नहीं है कुछ नहीं बताता है। क्या कह रहे चाची? बात ठीक है बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं, सही बात है चाचाई साहब, सही है, सही है, सही बात है। ये बोले पर तैयार नहीं की चलो, क्या है से की कल ना रहली, हम खुद गवाह बन गेट बंद कर ले है, कल ना रहली, इहे क्या के कहानी तो बानी की ना हुआ के अंदर बानी बाली अभी बाड़ी कल ही पूछला पके कहानी घर गए नहीं, रात में बच्चा छोड़ के घर चले, हां घर गए नहीं, जब वहां के ड्यूटी रहला कि ना रहला, अब उहे न जाने के ड्यूटी रहला कि नहीं रहला, तबे न घर गइल है। सही बात बच्चा जी, सही बात बा, बोल ही रहवा से पूछा था। हम तो सो गए थे, हम सर में दर्द था, पूछ ली। सो गई थी आप? अच्छा चलिए, ये सारी समस्याएं हैं। बक्सर जिला के बड़े हॉस्पिटल सदर हॉस्पिटल से हमने ये तस्वीर आपको दिखाया। आप सबों को ये बक्सर जिला के हॉस्पिटल के बारे में आप सब क्या सोचते हैं, और यहाँ के जो बाहर से लोग आते हैं उन लोगों को व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए कि नहीं? जब नेता मंत्री आते हैं तो बड़े बड़े दावे करते हैं, तो इन लोगों के लिए व्यवस्थाएँ, इन्हीं लोगों के वोटे से वो मंत्री बनते हैं और नेता बनते हैं, तो क्या इन लोगों को व्यवस्थाएं मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? आप सब कमेंट करके कमेंट में जरूर बताएंगे।